चीज किस चीज के ऊपर हम बात कर रहे हैं? गुड टच और बैड टच। अच्छा आप मुझे बताएं कि आप लोगों को खुद से पता है गुड टच और बैड टच क्या है? वेरी गुड, शाबाश। हम जो है बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे एनिमल्स के ऊपर, ठीक है? मुझे ये बताएं, बटरफ्लाई सबको अच्छी लगती है? अच्छा, कभी किसी ने उसको पकड़ने की कोशिश की हो? ऐसे होता है ना कि जब आप बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए जाते हैं, उसके करीब जाते हैं, जैसे उसको टच करने लगते हैं तो वो फ्लाई कर जाती है, ऐसे ही होता है ना? कभी किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, पकड़ लियो मे बी क्योंकि 1% हो, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि वो उड़ जाती है, वो अपने आप को सेव कर लेती है, उसे पता है कि अगर हम उसे जो है हाथ लगाएंगे तो उसे बुरा लगेगा, तो वो अपने आप को सेव कर लेती है। तो एनिमल्स को भी पता है कि उन्होंने खुद को सेव कैसे करना है, ठीक है? इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो है कुछ टच ऐसे हैं जो गुड हैं और कुछ टच ऐसे हैं जो बैड हैं, ठीक है? तो अच्छा एक और बड़ी सिंपल सी बात है कि हमें पता कैसे चले कि गुड टच क्या है और बैड टच क्या है, समझ आ रही है? हमें पता कैसे चले, हमें ये कैसे पता चलेगा कि गुड टच क्या है और बैड टच क्या है? अच्छा हम जो है डेली यूनिफॉर्म यूज करते हैं, कपड़े यूज करते हैं, ड्रेसेस यूज करते हैं कहीं ट्रेवल करने के लिए, स्कूल आने के लिए, ठीक है? अब मेरी क्या चीज आपको नजर आ रही है? फेस, जिसके ऊपर कपड़े नहीं है, फेस और हैं। और अगर हम जूते नहीं पहनते तो हमारे फीट नजर आते हैं, पाँव नजर आते हैं, ठीक है? और जिन चीजों के ऊपर हमने कपड़े पहने हुए हैं, हम खुद को ढक के रखते हैं, तो वो क्या चीज है? बॉडी। और जिन चीजों को हम छुपा कर रखते हैं उसके ऊपर हमने किसी को टच नहीं करने देना है, ठीक है? अच्छा अब हम एग्जाम्पल्स करेंगे कि कैसे कैसे जो है गुड टच है और बैड टच है और आपको पता कैसे चलेगा। हुरैन फातिमा जी, ये मेरी बेटी हैं, इनका नाम है हुरैन फातिमा। अच्छा हम जो है ना एक गेम खेलते हैं डेली क्लब के अंदर, हुरैन जो है मेरे साथ क्लास भी करती हैं, तो हम गुड टच और बैड टच के बारे में बात करते हैं। आपको पता है ना फातिमा गुड टच और बैड टच का? अच्छा ये वाला कौन सा टच है? ये वाला कौन सा टच है? ये कौन सा टच है? ये कौन सा टच है? बैड टच, ठीक है जी। अब हमारी बॉडी में कौन से ऐसे पार्ट हैं तीन जहां पे कोई आपको हाथ लगाए तो बैड टच है? आपकी चेस्ट पे, लेग्स के बीच में और बैक साइड पे। अगर आपको यहाँ पे कोई टच करता है तो आपने किसको बताना है? मामा को और बाबा जानी को। ओके वेरी गुड, ठीक है जी। हमने आपके साथ सेशन करना था, फातिमा की तबीयत खराब है, उसे बहुत तेज बुखार है, लेकिन हमने आपके साथ सेशन करना था, इस वजह से हम दोनों आए। फातिमा मेरे साथ सब जगह पे जाती हैं सेशन करने। अच्छा फातिमा मुझे ये बताएं, अगर आपको कोई अंकल कैंडीज देते हैं ऐसे करके कि फातिमा ये कैंडीज ले लो, कौन से लेनी चाहिए? अगर वो कहें फातिमा प्लीज ले लो तो आप क्या करेंगे? क्या बोलेंगी? नो नो। कैसे बोलेंगे? ओके। और अगर वो बोले प्लीज बेटा ले लो फिर? नो नो। अच्छा नो नो बोलेंगी। और अगर वो आप बोले फातिमा बात सुनो इधर आओ, तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे जल्दी से करके? बाबा को बताऊंगी। बाबा को बताएंगे। अब वो क्या करेगा? वो आपको अपने पास बुलाएगा, वो कहेगा बेटा ये कैंडी ले लो और मेरे साथ चलो, आपकी मामा ने मुझे कहा है इसको ले आओ स्कूल से, ठीक? अब मुझे बताएं जब आप उसे जानते नहीं है आप उसके साथ कैसे जाओगे? अगर आप जाओगे आपको लगता है वो आपको घर लेके जाएगा? ही विल टेक यू सम प्लेस एल्स। वो आपसे बैगिंग करवाएगा, किसी के घर काम करवाएगा, आपको आपके पेरेंट्स से दूर ले जाएगा, वो बहुत बुरा कर सकता है। सो हमने ऐसे लोगों को अवॉइड करना है। उस एक कैंडी के लिए हमने उसके पास नहीं जाना, जब वो हमें कैंडी ऑफर करें हम कहेंगे नो, ठीक है? एक तो आप स्कूल से बाहर जाएंगे ही नहीं, और अगर आप जाएं आपको कोई स्ट्रेंजर कहें आप उसे नो कहेंगे एंड यू विल कम बैक टू स्कूल, ठीक हो गया? अकेले घर नहीं जाएंगे, आपके मदर ने फादर ने आपको अलाउ नहीं किया कि आप अकेले घर जाएं। कभी होता है ना आप बाहर जाते हो गेट से, ओ हो आज तो अंकल नहीं आए, मेरा घर पास है मैं खुद चला जाता हूँ या मैं खुद चली जाती हूँ, मामा को सरप्राइज दूंगी आ जाके। नो, इस तरह का सरप्राइज कभी नहीं देते बेटा।
जब आप बाहर अकेले निकलोगे वहां बहुत से लोग होते हैं जो बुरे होते हैं, वो अंकल भी हो सकते हैं, वो आंटियां भी हो सकती हैं। आपको पता है आजकल जो ये किडनैप करने वाली है ये लेडीज हैं, वो बच्चे उठा लेती हैं क्योंकि उन पर कोई शक नहीं करता कि जी लेडी है जा रही है, अब हमें क्या पता वो कौन है। अब वो आपके पास आएगी, आपको प्यार करेगी, आपको कैंडीज देगी, अच्छी अच्छी बातें करेगी, कहेगी बेटा मैं आपकी मामा की फ्रेंड हूं, चलो मेरे साथ चलो आज आपके घर जाते हैं। डोंट लिसन टू हर, चाहे वो आपसे जितने प्यार से बात करें, चाहे आपको जितनी अच्छी कैंडी क्यों ना देते हैं, आप उसे कहेंगी नो आई एम नॉट अलाउड, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, मुझे मेरी मामा ने मना किया, ठीक है मुझे मेरी मैम ने मना किया। कभी अकेले नहीं जाते किसी के साथ, ऐसे लोग आपको आपके माँ बाप से दूर ले जाते हैं। बेटा आप लोगों ने इतनी इस तरह की न्यूज सुनी होगी, आप माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं, थोड़ी अवेयरनेस होगी आपको, ऐसे लोग बहुत बुरे होते हैं। हम सिर्फ आज यहाँ आपको जो समझा रहे हैं वो ये समझा रहे हैं कि आप घर पे हैं तो अपने घर से बाहर अपनी स्ट्रीट में खेलने के लिए भी जाते हैं वो तो जाना नहीं चाहिए, वहां पे जाएं तो भी कोई स्ट्रेंजर आपको बुलाए आपने नहीं जाना। आप अपने स्कूल में हैं, आप आगे जाते हैं, कोई स्ट्रेंजर आपको बुलाता है आपने नहीं जाना। इवन अगर आपके बाहर गली में ऐसे लोग जो कि सब्जी वाला कभी आ जाता है, गार्ड होते हैं, चौकीदार बाबा होता है, कोई चाचा होता है, कोई शॉप वाला, वो भी आपको बुलाए आपने नहीं जाना, ठीक है। आप जाएंगे अपनी मामा से पूछेंगे, मामा अंकल मुझे बुला रहे थे मैं जाऊं, आपकी मामा अलाउ करें तो फिर ठीक है, अदरवाइज हम नहीं जाएंगे। ठीक हो गया, यू गॉट माय पॉइंट। ये सीरियस है इसलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं कितना कम बात करती हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ मेरे सारे बच्चे सेफ एंड साउंड रहे, आप सबके सब अपने पेरेंट्स के साथ अपने घरों में रहें, अपने कोजी हाउसेस में रहें। मैं सिर्फ इसलिए आज आप लोगों के साथ ये सब शेयर कर रही हूँ, बेटा ये सीखने की चीजें हैं और ये आपको लाइफ टाइम फायदा देंगे। जब तक आप अपने पेरेंट्स के साथ हैं आप सबसे सेफ हैं, जब आप बाहर निकल जाते हैं तब आपके पेरेंट्स साथ नहीं होते, ठीक है। उस वक्त आपने अपनी हिफाजत कैसे करनी है, ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैं और सर आपसे शेयर कर रहे हैं, आपने इनको सुना है ठीक है, लेकिन आपने इन पे अमल भी करना है, ठीक है। यू आर गोइंग टू फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस, करेंगे? वेरी नाइस। अच्छा अब हम थोड़ा सा ना एंड पे करते हैं कि आप सब जो है कराटे क्लास करते हैं, सबने देखा है जो बड़े आपके सीनियर्स फेलर्स हैं वो जो है डिमोस्ट्रेट करते हैं, तो अभी हम जो है मैम ने जो बात बताई कि आपको कोई पकड़ के ले जाए तो हम उसे कैसे जो है वो खुद को सेव कर सकते हैं। अच्छा एक दो चीजें हैं बड़ी सिंपल सी, देखें सुनना है सबने भी प्रैक्टिकल भी करें। आपका कोई हाथ पकड़ता है सबसे पहले आपको खींचने के लिए या अपनी तरफ करने के लिए, लेकिन हाथ पकड़ेगा तो आप क्या उसके साथ ऐसे चल देंगे? ठीक है, सबसे पहले हमने आपसे अगर कोई बड़ा है तो उसकी पावर को कम करने के लिए हमने क्या करना है कि आप अपने पांव को जो है वो फ्लोर के ऊपर ऐसे टाइट करेंगे और पीछे की तरफ लेट जाएंगे, गिर जाएंगे पीछे की तरफ, गिर जाए भाई, ठीक है। आप ये लेट गए, अब उससे क्या हुआ कि मेरी पावर जो है वो कम हो गई। अब मैं नेक्स्ट अगला स्टेप क्या करूंगा कि आप मुझसे छोटे हैं तो मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं आपको उठा कर ले जाऊं, ठीक है जी, ऐसे ही होगा ना कि मैं आपको उठा के भाग जाऊं या गाड़ी में ले जाऊं, ऐसे ही होगा। अब देखिए आप दोबारा लेटे, ठीक है ये लेटे, अब आप ऐसे ही रहेंगे, अब मैं आया हूं इनको उठाने के लिए, ठीक है जी। अब मैंने इनको उठाने के लिए किया तो जब मैं इनको ऐसे ऊपर उठाऊंगा आपने क्या करना, ऊपर उठे जब आप यहाँ से मेरी लेग को आपने लॉक कर देना, ऐसे ऐसे पकड़ो, पकड़ो जोर से पकड़ो, ऐसे टाइट कर दिया। अब मैं कैसे आपको, मैं भाग भी नहीं सकता हूँ, मैं तो उठाने लगा था, मैं तो उठाने लगा था, तो हम इसको एक दफा रिकॉल करते हैं, ठीक है कि आज हमने क्या सीखा, क्या सीखा हमने, गुड टच एंड टच, वेरी नाइस। गुड टच क्या होता है, जो आपको अच्छा लगता है, बैड टच क्या होता है, जो आपको अच्छा नहीं लगता, और अगर आपको कोई स्ट्रेंजर बुलाए तो आप क्या कहते हैं, अगर आपको कोई स्ट्रेंजर कैंडी देने लगे तो आप क्या कहते हैं, और अगर आप
पकड़ के ले जाने लगे तो आप क्या करते हैं? शोर मचाते हैं। कैसे मचाते हैं? वेरी गुड। और आपने स्कूल से बाहर और अगर आप लेट हो जाते हैं तो कोई अंकल अगर आपको लेने आए तो आप क्या कहेंगे? आप सर को कहेंगे कि आपके घर कॉल करें। आप अकेले घर नहीं जाएंगे। वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर योर सेल्फ। थैंक यू बेटा सो मच। आप लोगों ने यहाँ पे बैठे हमारे साथ, आप लोगों ने इतनी अच्छी लर्निंग की और अब आप लोगों ने अपने घर में भी इस चीज को याद रखना है, ठीक है? और आपके फ्यूचर में ये आपको बहुत काम आएगा, ठीक है ना? चलें जी।